या फिर कुछ मालूम है कौन हत्या किया बापू का, अगर याद करिए तो बापू की हत्या किसने की, आजादी की लड़ाई कौन लड़े थे? तो जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे वही लोग आज कल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जेपी को कभी भूल नहीं सकते और वो तो सदैव उनको हम लोग याद रखेंगे। हम लोग कभी जो कुछ भी उन्होंने कहा उन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही उसको लागू करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है कि भाई जेपी के सारे विचारों को देखते हुए आप हर तरह से उनको पूरे तौर पर करना चाहिए। और आपको मालूम ही है कि जेपी का तो जब आजादी की लड़ाई थी तो उनके साथ लोहिया जी थी, सब लोगों का वो एक तरह से सब तरह की बातें होती रही है और सब कुछ को मालूम है। और जेपी का जो यहाँ पर था जो हमने आपको आज बताया जो उन्होंने आह्वान किया था और जो हमने गांधी मैदान की बात की और जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का और उसके दो तीन महीने के बाद उन्होंने कहा कि भाई संपूर्ण क्रांति वही है जो लोहिया जी का सप्त क्रांति, तो कितना लगाव एक दूसरे के प्रति था। आप समझ रहे हैं भाई ये सब और सब पाप के शिष्य, आप सोच लीजिए कि इन सब चीजों को याद रखिए, दूसरा चीज को याद मत रखिए। आजादी की लड़ाई कौन लड़े थे? तो जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे वही लोग आज कल की बात कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई के जब पचहत्तरवां साल पूरा हुआ तो नया नया नामकरण की बात कर रहे हैं, आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना? अरे भाई, तो आजादी की लड़ाई तो जो कुछ भी हुआ बापू के नेतृत्व और वो जेल में रहे और इसके लिए इन्होंने हम लोगों जेपी ने किया लोहिया जी, तब भाई इन सब चीजों को नहीं याद रखना है? ये लोग जो आजकल बोल रहा है आज जिनके चक्कर में कुछ लोग फंस गए हैं चले गए हैं तो जरा याद न रखिए कि आखिर कुछ मालूम है। आज जेपी का सम्मान करना चाहते थे तो जिसको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं होता है तो उन लोगों का क्या क्या और कौन हत्या किया बापू का, अगर याद करिए तो बापू की हत्या किसने की? तो इसीलिए सोच लीजिए, तो आप सब लोग ध्यान रखिए। इसीलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए और सही मायने में आप लोग कहिएगा प्यार जाए बोल रहे बड़ा अच्छा काम किया है रणवीर, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो हसन हुसन था आप कृपा करके